दुनिया में आप कहीं भी नजर डालिए, हर जगह आपको एक चीज दिखेगी, LGBTQ. LGBTQ Americans has drastically increased in the last 2 years. Targeting the LGBTQ community. Criminalize people who identify as LGBTQ. आखिर है क्या ये LGBTQ? क्यों हर बड़ी कंपनीज इसके सपोर्ट में आ रही हैं? और आजकल कोर्ट्स और पार्लियामेंट तक में भी ये एक अहम बहस का मुद्दा है। In case of a gay marriage, who will be the wife? तो आखिरकार कितनी पुरानी है ये LGBTQ की जड़ें? ये सोसाइटी के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं और किस तरह ये LGBTQ इंडिया के किन्नर समाज के ही अगेंस्ट है? सब कुछ डिटेल में समझने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब भी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन की खोज की है तो उन्हें इन रिसर्च के दौरान हमेशा दो मेल और फीमेल के ही स्केलेटन मिले। पर अगर आप इस टाइम पर दुनिया पर नजर डालें तो आपको दर्जन भर से भी ज्यादा जेंडर आइडेंटिफिकेशन मिल जाएंगे, जो भले ही बायोलॉजिकली किसी और जेंडर के थे पर वक्त में आगे चलकर उन्होंने अपने आप को दूसरे जेंडर में आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहला सवाल है कि ये LGBTQ+ है क्या? ये एक्चुअली में एक शॉर्ट फॉर्म है लेस्बियंस, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वायर, एसेक्सुअल, नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स और प्लस का, जिसमें प्लस का मतलब है वो जेंडर्स जिनका आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। और दुनिया भर में LGBTQ टर्म का इस्तेमाल लोग इन्हें सपोर्ट करने के लिए करते हैं। LGBTQ की शुरुआत होती है साल 1969 में हुए स्टोन वॉल रियॉट से, जहां पर न्यूयॉर्क के एक गे बार द स्टोन वॉल इन में पुलिस एक रेड करती है और इस रेड के बाद होमोसेक्सुअलिटी का सपोर्ट करने वाले एक्टिविस्ट ने होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पर देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट होकर इसने एक रियॉट की शक्ल ले ली, जिसके बाद इसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए साल 1970 से हर साल इन कम्युनिटी के लोग जून में प्राइड मंथ सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि स्टोन वॉल रियॉट के बाद से ही इन सभी लोगों को जेंडर आइडेंटिफिकेशन इतनी आसानी से मिलना शुरू हो गई, बल्कि 70s और 80s के पीरियड में गेज और लेस्बियंस को अभी भी इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला था ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल के कंपैरिजन में। इसीलिए साल 1988 में एक्टिविस्ट ने पहली बार LGBT टर्म इस्तेमाल करना शुरू किया था इस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि इन कम्युनिटी के अंदर जितने भी जेंडर्स हैं ताकि सभी को इक्वल राइट्स और आइडेंटिफिकेशन मिले। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन होमोसेक्सुअलिटी का अस्तित्व सिर्फ 70s और 80s के पीरियड से ही है, बल्कि इनका इतिहास भी एंशियंट सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है और इनका अस्तित्व आपको हर एक रिलीजन और सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को हमेशा से ही हर एक रिलीजन अपोज करता आ रहा है, जहाँ पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो प्रॉफिट लूत या लॉट की पूरी सिविलाइजेशन का ही जिक्र है, जिसमें सभी लोगों का होमोसेक्सुअल होने की वजह से उनकी पूरी सिविलाइजेशन को ही गॉड ने तबाह कर दिया था। पर भले ही पहले के लोग LGBTQ टर्म आने से पहले इन सभी लोगों को गे के टर्म से ही बुलाते थे, उसी तरह एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग एशियन कंट्रीज के बीच है ट्रांसजेंडर को लेकर। ट्रांसजेंडर मेनली दो तरह के होते हैं, ट्रांससेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल एक्चुअली में एक तरह का ऐसा ह्यूमन फॉर्म है जिनके पास बर्थ से ही दोनों मेल और फीमेल दोनों के ही कॉम्बिनेशन में रिप्रोडक्शन ऑर्गन या ट्रेट्स होते हैं, जिन्हें आम भाषा में हम लोग किन्नर, हिजड़ा या थर्ड जेंडर जैसे नामों से बुलाते हैं। इंटरसेक्सुअल्स एक्चुअली में तब पैदा होते हैं जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म के कुछ हिस्से के साथ ही फीमेल एग में फ्यूज हो जाता है, जिसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसके रिप्रोडक्शन ऑर्गन सही तरह से डेवलप नहीं हो पाते। इसी वजह से मेल में फीमेल वाले और फीमेल में मेल वाले रिप्रोडक्शन ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। यानी ये LGBTQ+ कम्युनिटी में इंटरसेक्सुअल ही ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकली थर्ड जेंडर होते हैं, और तो और कुछ केसेस में तो ये इंटरसेक्सुअल नेचुरल बर्थ तक दे सकते हैं। इसका ये मतलब तो साफ है कि मेल और फीमेल के अलावा भी साइंटिफिकली भी ये एक थर्ड जेंडर है और हमेशा से ही ये हमारे बीच सोसाइटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में हिजड़ा और
ख्वारजा सरा को एक स्पेशल हाई स्टेटस मिला था, स्पेशली मुगल्स और ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर, जहां पर इन थर्ड जेंडर को एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिकल एडवाइजर्स और हरम्स को गार्ड करने जैसे इम्पोर्टेंट पोजीशन तक अलॉट करी जाती थी। और उस टाइम पर थर्ड जेंडर्स को लॉयलिटी और ट्रस्टवर्दी के लिए भी जाना जाता था। अपनी लॉयलिटी की वजह से भी इन इंटरसेक्सुअल्स का रोल इंडियन सोसाइटी में भी काफी ज्यादा अहम रहा है और इनका जिक्र रामायण तक में भी मौजूद है, जहां पर लॉर्ड राम ने 14 साल के वनवास पर जाते वक्त जब अपने मेन और वेमेन फॉलोवर को वापस जाने को बोला था तो हिजड़ा कम्युनिटी के लोग वहीं रुके रहे, क्योंकि वो लोग मेंस और वेमेन दोनों में ही नहीं आते थे, जिसकी वजह से राम जी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से आप लोग सेलिब्रेशन के ओकेजन पर दूसरों को ब्लेसिंग देने का काम करेंगे। अब आपको ये क्लियरली पता है कि इंटरसेक्स कौन होते हैं, तो अब आप लोगों को ये बता दें कि ट्रांससेक्सुअल क्या होता है। इन सिंपल वर्ड, ट्रांससेक्सुअल वो लोग होते हैं जो बाय बर्थ तो एक मेल या फीमेल ही होते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि वो एक गलत बॉडी में ट्रैप हो चुके हैं, इसलिए वो अपने आप को सर्जरीज और दूसरी हार्मोनल थेरेपीज की मदद से और कभी कदार सिर्फ कपड़े और गेटअप चेंज करने से दूसरे जेंडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हालांकि ट्रांससेक्सुअल्स का कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं होता और उनके क्रोमोसोम भी एक्चुअली वही होते हैं जिन जेंडर्स में उनकी बर्थ हुई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी परेशानी की बात क्या है, जो जैसी जिंदगी चाहे वैसी जी सकता है और इसमें हमारा नुकसान क्या है। पर दिक्कत तो ये है कि अभी हमने LGBTQ+ के सिर्फ टी की बात करी है, पर इस कम्युनिटी में मौजूद नॉन बाइनरी और जेंडर फ्लूइड जैसी कैटेगरीज और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिन्हें हम वीडियो के आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। हाल ही में अमेरिका में रहने वाले 20 साल के स्विमर विलियम थॉमस, जिनकी NCAA मेन स्विमिंग डिवीजन की रैंकिंग 462 थी, पर अचानक से ही विलियम ने अपने आप को एक वुमेन आइडेंटिफाई कर लिया और विलियम थॉमस से लिया थॉमस बन गए, जिसके बाद विलियम या लिया थॉमस ने स्विमिंग के वुमेन डिवीजन में स्विच कर लिया, जिसके बाद गेस करिए क्या हुआ। लिया थॉमस 462 रैंक से पहुंच गई नंबर 1 इन NCAA वुमेन डिवीजन में, यानी कि जो फेमिनिस्ट सबसे आगे रहती हैं LGBTQ परेड्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये LGBTQ कल्चर उन्हीं के लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से मेल्स के पास बायोलॉजिकली हायर बोन डेंसिटी होती है और मेल्स में फास्ट टाइप मसल फाइबर भी ज्यादा होता है एक फीमेल के कंपैरिजन में, इसलिए एक मेल और फीमेल का साथ में कंपटीशन कोई सेंस नहीं बनाता। लेकिन अगर बात यहीं तक सीमित होती तब भी कोई बात नहीं थी, पर क्योंकि लिया थॉमस ने ट्रांस वुमेन बनने के बाद अब फीमेल ड्रेसिंग रूम भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद दूसरी बायोलॉजिकल फीमेल्स को काफी ज्यादा परेशानियां होने लगी लिया थॉमस के साथ बाथरूम और ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए, और लिया के सामने अंड्रेस करना काफी शर्मनाक होता है दूसरी फीमेल्स के लिए, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल मेल है फुल्ली ग्रोन मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के साथ, जिसके बाद लिया थॉमस का मुद्दा पूरे अमेरिका में तूल पकड़ने लगा। एक और बड़ा ही अजीबोगरीब केस मिलता है स्कॉटलैंड का, जब एडम ग्राहम नाम के एक डबल रेपिस्ट, जिसके ऊपर 2016 और 2019 के रेप चार्जेस थे, उसने अपने आप को एक वुमेन आइडेंटिफाई कर लिया और अपना नाम इस्ला बॉयसन में चेंज कर दिया। अब सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इतने ज्यादा डेंजरस इंसान को 8 साल की सजा तो सुनाई गई, पर उसे फीमेल प्रिजन में ही कैद किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शैतान अपने आप को एक वुमेन आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अब आप सिर्फ ये सोचिए कि क्या अपने आप को वुमेन आइडेंटिफाई करना आपको वुमेन्स के राइट दिला सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर LGBTQ+ के इतने घातक साइड भी हैं, तो हर एक कंपनी और सोशल मीडिया LGBTQ को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। सबसे बड़ी वजह है इन कंपनीज का प्राइड मंथ और LGBTQ को इतना सपोर्ट करने की कि पूरी दुनिया की 3 सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लेयर वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट बैंक और ब्लैक रॉक, जो पूरी दुनिया की वेल्थ और यहाँ तक US डॉलर तक को कंट्रोल करती हैं। ये इन्वेस्टमेंट मार्केट लीडर्स ने बड़ी कंपनीज पर LGBTQ जैसे प्रोटेस्ट को फोर्स करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज एप्पल, अमेज़न जैसी दूसरी कंपनी की मेन इन्वेस्टर और मेजॉरिटी स्टेक
होल्डर है, इसीलिए उन्होंने LGBTQ को सपोर्ट करने के लिए CEI रेटिंग सिस्टम शुरू किया है, जहां पर LGBTQ को अलग अलग तरह से सपोर्ट करने पर कंपनीज को पॉइंट्स दिए जाएंगे। जिस कंपनीज का परफेक्ट CEI स्कोर होगा उसका उतना ही बेटर क्रेडिट स्कोर होगा। ये सिस्टम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बैंक्स हमको क्रेडिट स्कोर देता है, पर इस सिस्टम में LGBTQ को सपोर्ट करने पर ब्लैक रॉक जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनी दूसरी बड़ी कंपनीज को स्कोर देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी कंपनी किसी भी तरह से LGBTQ की इक्वालिटी के अगेंस्ट जाकर और दूसरे क्रिश्चियन ग्रुप को किसी भी तरह से सपोर्ट करती है तो उनके CEI स्कोर से 25 पॉइंट तक डिडक्ट कर दिए जाते हैं पेनल्टी के तौर पर। और जिस भी कंपनी का स्कोर अच्छा नहीं होता और उन्हें ब्लैक रॉक जैसे बड़े प्लेयर्स फाइनेंशियली पनिश भी करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक रॉक जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज LGBTQ को काफी ज्यादा सपोर्ट इसलिए करती हैं क्योंकि ये कंपनीज उनके राइट्स के लिए खड़ी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कंपनीज अक्सर सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए अर्थ के डिस्ट्रक्शन को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं और LGBTQ को सपोर्ट करना भी इनके लिए सिर्फ प्रॉफिट कमाने का जरिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांससेक्सुअल्स और दूसरे LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को सर्जरीज और दूसरे आर्टिफिशियल हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है अपना जेंडर चेंज करने के लिए, और ज्यादातर आर्टिफिशियल हार्मोन बनाने वाली बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे कि फाइजर और J&J जैसी कंपनीज को भी ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ही ओन करती है। यानी कि LGBTQ को सपोर्ट करना भी इन कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने का जरिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि LGBTQ के राइस से दुनिया में पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे प्रोपेगेंडास को भी हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसको देखते हुए काफी कंट्रीज ने भी LGBTQ के अगेंस्ट जाकर काफी लॉ पास किए हैं। जैसा कि युगांडा में हाल ही में एंटी होमोसेक्सुअलिटी लॉ पास किया गया अपनी फ्यूचर जनरेशन को LGBTQ से रोकने के लिए। Our country, we will have our morals, we will protect our children, and we are making this law, we are making this law for ourselves, we are making this law for our children, we are making this law for the children of our children. This country will stand firm. And once it passed, I can tell you, Madam Speaker, we are going to reinforce the law enforcement officers to make sure that homosexuals have no space in Uganda. वहीं हाल ही में रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने जेंडर चेंज सर्जरी को टोटली बैंड कर दिया। अब आप लोग को ये बता दें कि किस तरह LGBTQ इंडिया के किन्नर समाज के ही अगेंस्ट है। हाल ही में कर्नाटका इंडिया का इकलौता स्टेट बन गया जिसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करना शुरू। अब आप लोग ये सोचिए कि ये 1% रिजर्वेशन का हकदार असलियत में कौन लोग हैं? वो इंटरसेक्सुअल जो बाय बर्थ ही इस तरह पैदा हुए हैं, जिन्हें उनके परिवार वालों ने ही ठुकरा दिया था, या फिर वो लोग जो भले ही पैदा मेल हुए पर अचानक से ही उन्होंने अपने आप को एक फीमेल आइडेंटिफाई कर लिया? तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये ट्रांसजेंडर और दूसरे होमोसेक्सुअल्स को सिर्फ एक LGBTQ का पैकेज बना देना बिल्कुल सही नहीं है। और आगे चलकर ये इंटरसेक्सुअल जो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर है उनके हक के भी खिलाफ है। और LGBTQ कम्युनिटी में जो लोग अपने आप को जेंडर फ्लूइड आइडेंटिफाई करते हैं वो जब चाहे अपने आप को मेल या फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, जेंडर फ्लूइड पीपल अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, यानी वो फीमेल वॉशरूम देखकर अपने आप को एक फीमेल आइडेंटिफाई तक कर सकते हैं, जो आगे चलकर बायोलॉजिकल फीमेल की सेफ्टी के लिए तो काफी ज्यादा हार्मफुल है और फ्यूचर में सेक्सुअल वायलेंस जैसी चीजों को बढ़ावा दे सकता है। तो आपकी क्या राय है LGBTQ कम्युनिटी से, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले।